सईद हमीद साहब से गुजारिश करता हूँ। सईद हमीद साहब एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट, जिनको बहुत ही जानकारी है, तजर्बा है। सईद भाई, आज जो है वर्ल्ड जस्टिस डे है और इस मुल्क में नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। आज कोर्ट कचहरी में जाने के बाद भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग महरूम है। इंसाफ बहुत महंगा हो गया है, इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, कोर्ट कचहरी भी खरीदी जा रही है। तो मैं ऐसे में मैं आपकी कुछ मालूमात आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि लोग देखें कि आज हमारा देश किस करोड़ बदल रहा है, कैसे चल रहा है, देश में क्या नाइंसाफियां बढ़ती जा रही है। सईद भाई जी, आसिम भाई, आज जो है जो वर्ल्ड जस्टिस डे है, ये क्यों मनाया जा रहा है और कहां कहां मनाया जा रहा है, ये जानना भी जरूरी है। 1998 में पहली मर्तबा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनी थी और उसमें सारे ही जो 151 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने एक कन्वेंशन जिसको रोम कानून कहते हैं उसको साइन किया था। तो उस कोर्ट का मकसद ये है कि ऐसे इंसाफ दुनिया में पैदा किया जाए और जो संगीन जराइम, जिसमें जंगी जराइम, वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जिनोसाइड, जो नस्ल कुशी होती है जिनोसाइड, उसके मुजरिमों को सजा दिलवाई जाए और उसके जो मुतासिर हैं, जो लोग जो है जिसके नाइंसाफी के शिकार, उनको वो जो दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। तो इस तंजीम के जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके उसके लिए जो है उसके कयाम की जो सालगिरह होती है 17 जुलाई, हर साल ये मनाया जाता है, हमारा इंडिया भी उसमें शामिल है। और सिविल सोसाइटीज जो है 2500 सिविल सोसाइटीज है दुनिया भर में, वो इसकी मेंबर है, वो लोग मनाते हैं। इसलिए नहीं कि जस्ट एक ट्रेडिशन है, कोई जयंती मना रहे, बल्कि इसलिए कि इंसाफ कायम होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, उसने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक केस किया हुआ है। वो आपको याद होगा, मुंबई का ही एक ताजिर है, एक्स नेवी ऑफिसर कुलभूषण सुधीर जाधव, जो पाकिस्तान में पकड़ा गया था, वो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में उस पर मुकदमा चला और पाकिस्तान में उसको ये कहा गया कि वो जो है जासूस है और सुसी कर रहा था और टेररिस्ट, उसपे उसको मिलिट्री कोर्ट ने वहां की फांसी की सजा दिलाया। तो हमारा मुल्क उसने केस किया हुआ है, अभी भी वो केस चल रहा है और हम यकीनन उस केस में हमारे मुल्क का सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान की अदालत ने नाइंसाफी की है, तो उसके खिलाफ जो है वो हमारा देश जो है इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव को इंसाफ दिलाने के लिए आलमी अदालत में गया है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी इंसाफ है, अपने पहले अपने घर में होना चाहिए, अपने घर में होना चाहिए। इसलिए पिछले कई सालों में हमारे देश में इंसाफ का क्या हाल रहा है, कई दहाइयों से इंसाफ का क्या हाल रहा है, ये दुनिया में, दुनिया को भी ये बात मालूम हो रही है और हमारे यहाँ भी आज तो हमारे यहाँ है कि ये जो आज का दिन है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, एक मुद्दा आज के इस का ये भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंसाफ के बजाय क्रिमिनल्स के लिए बनाया जा रहा है और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये काम प्रोसेस में हो रहा है। जो एक गुजरात गवर्नमेंट थी, जब आपने देखा आसिम भाई, गुजरात में एक लड़की को भूखा की मार दिया गया, इशरत जहां को, और ऐसे ही जो इनकाउंटर हुए वो क्या थे, वो जस्टिस का खून था और जस्टिस का खून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए, जहां पुलिस वाले इंचार्ज हैं और जज मैजिस्ट्रेट जो इंसाफ की निगरानी करते हैं, वो सब इंसाफ का खून तो तब से हो रहा है जब यहाँ आप ख्वाजा यूनुस के केस की भी बात हुई है। ख्वाजा यूनुस केस जो है बुरी तरह से ये जो है इंसाफ का खून है और आज हम जब दुनिया भर में क्रिमिनल्स को
जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने की बात है, तो आज हमें ये भी गौर करना पड़ेगा कि इंडिया, एक तरफ इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को खराब करने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, जिसमें आज जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है वो बहुत ही हीरो बनाए जाते हैं। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो एक्चुअली वो देश के और कानून से खिलवाड़ करने वाले हैं, उनको हीरो बनाया जा रहा है, ऐसी फिल्में बनाई जा रही है, ऐसे लेख लिखे जाते हैं कि ये बहादुर लोग हैं। मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि मुंबई में ऐसे ऐसे इनकाउंटर, मुंबई, गुजरात और दिल्ली स्पेशल सेल और स्पेशल टास्क फोर्स यूपी के जितने भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, अगर उनकी तादाद ली जाए तो ये कम से कम 400-500 लोग हैं। इनका एक स्पेशल स्क्वाड बनाया जाए और ये स्पेशल स्क्वाड जो है अगर पाकिस्तान मुंबई में आकर हमला कर सकता है, कमांडो हमला, तो ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाके कराची में या लाहौर में क्यों नहीं काउंटर कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं चीन के 20 लोगों को मार दिया हमारे फौजियों को? तो एक भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्या इनमें से ऐसा था ये ऑफर करता है कि लड़ने को जाएंगे? नहीं, ये लोग ये देश में मार रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कवर मिला हुआ है कि जज कुछ नहीं करेगा, गवर्नमेंट सिस्टम कुछ नहीं करेगा। तो आज जो है इस इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम पे इंडिया में तो ये हाल हो गया है कि आज सूरत हाल ये है कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो सेपरेट होना चाहिए, कि पुलिस का काम अलग है और कोर्ट का काम अलग है, ये जो इसको जो बिल्कुल ही मशकूक बना दिया, मिला जुला बना दिया गया। आज जैसा आप यूपी में देखेंगे, कोई विकास दुबे था, अगर उसने पुलिस वालों को मार भी दिया तो सजा देना पुलिस का काम नहीं है, सजा तो अदालत देती है। और पुलिस ने जिस तरह उसके बंगले को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कोर्ट के हुकुम के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है। और आप ये देखेंगे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने पिछले कई महीनों में किया है कि कम्युनल राइट्स में, कम्युनल राइट्स का मतलब ये होता है कि दो तरफ से होता है, कम्युनल राइट्स में दो पार्टी होंगी तो कम्युनल राइट्स होगा, वरना कम्युनल राइट्स नहीं होगा। तो इसलिए एक तरफ जहां कम्युनल राइट्स में हिंदू दंगाई है तो दूसरी तरफ मुस्लिम दंगाई होते हैं, और दंगाई जो भी है, कोई भी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी भी दंगाइयों का साथ नहीं देती है और उनको जो सजा मिलनी चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। लेकिन दिल्ली के राइट्स में और यूपी के राइट्स में देखिए एक तरफ आप कार्रवाई हो रही है, मजहब देख करके आरपी बनाए जा रहे हैं, मजहब देख करके उनपे यूएपीए भी लगाया जा रहा है, और मजहब देख करके अब फिर यही बात आती है कि पुलिस को अदालत का जो अख्तियार किसने दे दिया, जो लोग ये इल्जाम लगा, और हमारा रूल है कि कोई मुलजिम जब तक के प्रूफ नहीं हो जाए वो मुजरिम नहीं होता, इसलिए उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जो कोर्ट में चल रही है उसके बगैर, उसको मुजरिम साबित किए बगैर, ये जो उसकी यूपी में और दिल्ली में उनकी फसाद में एफआईआर हो गई, तो मुसलमान है इसके लिए उनकी जो जायदाद जो है जब्त की जाती है, दुकानों को सील लगाया जा रहा है, ये सब जुल्म है, ये तो पुलिस के भी अख्तियार के बाहर है, ये तो गवर्नमेंट के भी अख्तियार के बाहर है। तो हम आज इस वर्ल्ड जस्टिस डे के दिन जो है ये बताना चाहते हैं, ये अहद करना चाहते हैं कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो कानून ने अलग अलग जिसको अख्तियार दिया है वो अख्तियार से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस जो है वो अपने अख्तियार में हो, कोर्ट है वो अपने अख्तियार में हो, अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है ये अंधेर चलेगा, और इस अंधेर को खत्म करके पब्लिक की जागृति ही इसको अंधेर को खत्म कर सकती है। और जहां एक बात हम, हाँ बताइए, एक मिनट बाकी है, बोलिए सईद भाई। जहां हमने एक बात की थी कि अदालतों में देर जो है वो भी अंधेर है, और सिस्टम कोलैप्स इसलिए हो रहा है कि हमारी ये गवर्नमेंट जो है वो जुडिशियरी को एलोकेशन नहीं दे रही है बराबर, बजट एलोकेशन उस पर जितना खर्च है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट
उनके कब्जे में क्यों रहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हॉस्पिटल इंडिया में 365 दिन चलता है और जब पुलिस स्टेशन 365 दिन चलता है, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट और पुलिस दोनों एक साथ चलते हैं, तो अदालतें भी 365 दिन चलना चाहिए। साथियों, मैं अपनी खुद बताऊं कि मुझे भी बॉम्बे ब्लास्ट में अरेस्ट किया गया था और मैंने जो मेरे ऊपर इल्जाम था पुलिस का, उस सारी सफाई के पूरे सबूत खुद नहीं लेकर गया था। मेरे साथ मुंबई के एक सीनियर मिनिस्टर जावेद खान साहब, उनके साथ एक साहब और थे, लेकर हम लोग एमएन सिंह के पास गए थे, जो एमएन सिंह उस वक्त कमिश्नर थे। सारी चीजें उनको दिखाई दी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और मैंने जितने सबूत उनको दिए थे, सारे सबूत उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे कुछ इन्होंने दिया ही नहीं, और मैं मुझे एक साल जेल में रहना पड़ा। मैं कोर्ट में चिल्लाता रहा, कोई सुनने वाला नहीं हमारी। इसी तरह से मैं कहूं कि मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब, जिनको अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था, जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दिया, 11 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मुफ्ती साहब ये तो बिल्कुल बेकसूर, इनको पकड़ा कैसे? उनको पुलिस ने पकड़कर जैसे ऊपर पैर नीचे मुंह बांध, ऊपर से पैर बांध करके नीचे पानी में उनका सर डाल करके उनके पैजामे के अंदर चूहा डालते थे, ऐसे मारते थे। क्या इंसाफ मिला? 11 साल जेल में रहने के बाद वो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन इल्जाम, लेकिन उन पुलिस वालों पर कुछ नहीं आज तक हुआ। ख्वाजा यूनुस का केस बहुत मशहूर हुआ, यानी हाई कोर्ट ने 20 लाख रुपया महाराष्ट्र सरकार को कहा कि भाई ख्वाजा यूनुस को मारा गया है, इसके घर वालों को 20 लाख रुपया कंपनसेशन दो। क्या कोर्ट कंपनसेशन दिलाएगा किसी ऐसे आदमी को जो कि भाग गया हो पुलिस के हाथ से? लेकिन आज तक मारने वाले पुलिस वालों की तरक्की हुई है, नौकरी में बरकरार रहे हैं, लेकिन सजा नहीं हुई आज तक। हालांकि कोर्ट में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भाग भाग के घर वाले थक गए और उनके वालिद का इंतकाल हो गया। हिमायत बेग, मिर्जा हिमायत बेग, एक पढ़ा लिखा लड़का जो उदगीर के अंदर एक छोटे से स्कूल में, स्कूल क्या कहूं मैं, छोटा सा एजुकेशन के लिए बच्चों को बनाया था किसी ने, 1500 रुपया महीना लेकर के एक लड़का कंप्यूटर सिखाता था लोगों को, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वहां गौस और रेहान दो लोगों को पकड़कर पुलिस ले गई और 3 महीने तक पूना में बस स्टेशन के सामने इनको ट्रेंड किया गया कि तुम्हें कैसे गवाही देना है। ये कहते भाई हम जानते ही नहीं कुछ, गवाही कैसे दें? बोले अगर गवाही सही नहीं दिया तो तुमको भी इसी तरह से केस में लिया जाएगा, तुम्हारे घर वालों को बर्बाद कर दिया जाएगा। 3 महीने तक जैसे एक नकली कोर्ट बनाते हैं, बना करके ट्रेन किया गया और उनकी गवाही पर इस हिमायत बेग को फांसी की सजा हुई। मैं लेकर गया इनको आरआर पाटिल साहब के पास, मेरे साथ मुंबई के सीनियर लीडर कांग्रेस के आरिफ नसीम साहब, बहुत सारे लोग, होम सेक्रेटरी जमा करके मैंने बात किया, सारे किस्से बताए। मुझे उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। हिमायत बेग अभी भी जेल में है, लेकिन फांसी सजा तो खत्म हुई है, लेकिन मैं कहता हूं कि बेकसूर को आप इस तरह सजा दे रहे हैं। इस तरह से मैं इशरत जहां केस में जानता हूं, मैंने खुद डील किया उसको। इशरत जहां मुमरा में रहने वाली, जा रही थी मारने लीडर नरेंद्र मोदी जी को, कहां जा रही थी? अहमदाबाद। और पुलिस को खबर हो गई, इंटेलिजेंस को मालूम हो गया, लेकिन यहां से 500 किलोमीटर तक जाने के लिए इन्होंने कारपेट बिछा दिया। और जब गुजरात अहमदाबाद के अंदर एंटर होने लगी तो वहां इन्होंने मार दिया। अरे भाई अगर आपको इंटेलिजेंस को खबर है कि कोई जा रहा है तो आपको मुंबई में आके मुंबई के रास्ते मालिश कर लेना चाहिए था। मैं गांडी उसको पकड़ करके उसका रेप किया गया और जब उसको नहलाया गया, उसका जब गुसल हुआ दफन करने के पहले, तो उसकी शर्मगाह पे गोलियों के निशान थे। ऐसी बेशर्मी इस मुल्क में हुई है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि उठो, आज इंटरनेशनल जस्टिस डे है। मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है, जुडिशरी में ऐसे लोग भी आ चुके हैं कि जो लोग आज सरकारों के कठपुतली बने हुए, एक बार अंग्रेजों को भगाया हिंदुस्तान से, लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया हमें इस भारतवर्ष, हमारा देश जहां हम लोग रहते हैं, इसके लिए हमें अपने आखिरी खतरे को भी कुर्बान कर देना है। लेकिन भारतवर्ष में अगर कानून चलेगा
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान चलेगा, संविधान चलेगा, किसी आरएसएस, किसी नरेंद्र मोदी या किसी पुलिस या किसी सरकार के लोगों का कानून नहीं देश में चलेगा। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इस देश के कानून को बचाना चाहिए। आप लोग आए, आपने हमारी बात में, जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि इस देश में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।